अब खबर बिलासपुर से मिल रही है, जहां जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रमोद नायक और उनके ड्राइवर पर हमला हुआ है। दो युवकों ने रॉड से वार कर दिया। हादसे में प्रमोद नायक और ड्राइवर घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल हिरासत के लिए दोनों हमलावर लिए गए हैं। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ, दो युवकों ने रॉड से हमला किया है। पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और हमलावर जो है वो पुलिस की हिरासत में है। मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद कुछ ज्यादा ही गहरा गया। रात 9 बजे मैं रायपुर से अपने घर ग्रीन गार्डन कॉलोनी पहुंचा तो देखा कि कॉलोनी में दो लड़के हाथ में राड लेके मेरी पत्नी और बच्चे लोग के साथ में बहस कर रहे थे। उतरते साथ ही मेरे ऊपर रॉड से हमला किया, हाथ को चोट लगा है, पैर में लगा है। मेरा ड्राइवर अमर निषाद पहुंचा है, उस बगल में था वो भी, उसके सिर में गंभीर चोट आया है और उसको कमर में चेहरे में चोट आया है। कॉलोनी के और लोग भी आए, सबके साथ वो मारपीट किए लड़के लोग, और पता नहीं वो नशे में थे कि जानबूझ कैसे घटना कर रहे थे और बहुत ही असामाजिक तत्व नजर आ रहे थे। इससे पहले आपके साथ कोई दुश्मनी झगड़ा कुछ भी हुआ था क्या? किसी तरह कोई पैसा का लेन देन कुछ भी? कोई नहीं, मैं उनको पहचानता भी नहीं।